Good morning, children. This is my ninth video of chapter Chemical Kinetics. In this video, you are going to study the half-life period of first-order reaction. Now, let us see. K is equal to 2.303 by T log R naught by R. इस एक्सप्रेशन से तो आप लोग परिचित हैं, बोलो इसका नाम क्या है? दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हियर R naught is the initial concentration of reactant and R is the change of concentration after passing time t. Time t इतने के बाद जितना concentration बच गया, this is called the remaining concentration. This is called remaining concentration. अब आपको half life जानना है, तो हाफ लाइफ आप जीरो ऑर्डर में पढ़ चुके हैं. जितने टाइमिंग में कंसंट्रेशन का हाफ बच जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बच जाए, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड. द टाइम टेकन टाइम हाफ लाइफ पीरियड, इसको हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं. इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज हाफ अमाउंट of initial concentration of reactant is called half-life period. Of that reaction. अब देखो, अगर यहां पर हम टी निकालना चाहेंगे, उसको हम चेंज कर देंगे. ये टी हो गया, ये हो गया जे. अब व्हेन टाइम चेंजेड इन टू टी हाफ, जब टाइम टी हाफ हो गया, देन आर इक्वल टू आर नॉट बाय टू एज पर डिफिनेशन. इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया, जितने टाइमिंग में जो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड. तो इस एक्सप्रेशन में हम आर के जगह में आर नॉट बाई टू हम पुट करेंगे. के टी के जगह में टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग आर नॉट. एक्चुअली ये इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ चेंज हो गया, तो कितना बचेगा? आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू, तो ये हो गया 2.303 बाई के
into log R naught minus R naught by 2. कैसे हो गया ये 2 R naught minus R naught, R naught बच गया, R naught by 2. ये R naught R naught cancel हो गया. So it becomes 2.303 by k into log 2, log 2, log 2 का वैल्यू पता है क्या? log 2 का वैल्यू होता है t half equal to 2.303 by k. अब log 2 का वैल्यू होता है 0.30. इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए 0.693 आता है. ये हो गया टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन. क्लास 12 का स्टूडेंट इसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये फिजिक्स में भी आ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पढ़ना है, सेम एक्सप्रेशन है. अब इसमें एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ भी है. इसमें एक से और देखिए, इसमें कहीं कंसंट्रेशन टर्म दिखाई पड़ रहा है क्या? आर यू लुकिंग एनी कंसंट्रेशन टर्म? नो, यू आर नॉट लुकिंग एनी कंसंट्रेशन टर्म. इट मीन्स टी हाफ इज इंडिपेंडेंट of initial concentration of reactant. ये initial concentration पर depend नहीं करता है. इसलिए अगर TR और initial concentration के बीच में अगर आप graph plot कीजिएगा तो graph आएगा parallel to x-axis. इसको ऐसे देखिए, ये हो गया टी हाफ और ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो आपको ऐसे ग्राफ आएगा. ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है जो कंसंट्रेशन को चेंज करने से टी हाफ के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. टी हाफ चेंज नहीं होने वाला है. टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन टू ये टी हाफ देखे है. अब देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज टू कंप्लीट हो, टू कंप्लीट टू कंप्लीट 1/3 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ये हम टी हाफ निकाले. अब निकाल रहे हैं टी 1/3. हम निकाल रहे हैं टी 1/3. When t is equal to t 1/3, then r equal to R naught by 3. So you can write T 1/3 equal to 2.303 by K
low, your R node. और यहां पर हम R के जगह में R node by 3 नहीं लिखेंगे, ये होगा बचा हुआ कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, और इनिशियल कंसंट्रेशन का ये 1/3 चेंज हो गया, तो कितना बच गया, ये बचा हुआ है R node minus R node by 3, इसको सिंपलीफाई कीजिए, 2.303 by k into log R node, ये हो गया 3 R node minus R node, तो 2 by 3 R node हो गया, हो गया 2/3 R0, तो R0 कैंसिल, ये हो गया 3/2, ये हो गया 2.303 by k into log 3/2, तो 3/2 को आप 1.5 लिखे, इसको हम 1.5 लिख सकते हैं, ये हो गया 1.5. इन द सेम वे अगर t 1/3 नहीं, t 1/4 निकालना है हमको, t 1/4 निकालना है, तब क्या करेंगे, 1/3 के जगह में 1/4 कर देंगे, और इसके जगह में यहाँ 4 कर देंगे, ये 4 हो गया, ये 1/4 हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4, तब ये हो गया यहाँ पर 4/3. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज एनी अमाउंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. मान लीजिए 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, मान लीजिए n है, हमको n निकालना है, तब क्या करेंगे, 4 के जगह में हम n हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/n, और यहाँ पर हम कर देंगे n कर देंगे, तब क्या हो गया, by n कर दीजिए, तब यहाँ पर हो गया R not 1 minus 1/n, again R not cancel, और ये हो गया T या 1/n नहीं, T 1/n equal to 2.303 by k into log 1/1 minus 1/n. इसके बाद देखो, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल पूछता है एग्जाम में, इसका होगा एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, एग्जांपल पहला एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इनटू अल्केन, ये अल्कीन हुआ C2H4 प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट और पीटी कैटलिस्ट और पीडी कैटलिस्ट, दोनों बोलिए, टेम्परेचर होता है 250 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये चेंज करता है अल्केन में, इस रिएक्शन से हम तेल से घी बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं जो ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डीके, सेकंड में है ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डीके,
एंड आर्टिफिशियल डीके। अब देखो रेडियम 88 226, ये रेडियम जब इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल 2H3O4। क्या होगा एटम नंबर इसका 2 घटेगा, ये हो गया 86 और इसका 4 घटेगा ये हो गया 222। ये किस 86 किसका एटम नंबर है, रेडॉन का, Rn। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके चिल्ड्रन, इन माय नेक्स्ट वीडियो एक चैप्टर बचा हुआ है दैट इज आयनियस इक्वेशन, उसको हम लेकर के खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।